हरियाणा में बात में हुई हिंसा में मृतकों को दी श्रद्धांजलि, निकाला कैंडल मार्च। उदयपुर वाटी कस्बे में शनिवार की शाम को बजरंग दल व गौ रक्षक विश्व हिंदू परिषद द्वारा 3 नंबर चुंगी से घूमचक्कर तक कैंडल मार्च निकालकर हरियाणा मेवात इलाकों में हिंसा में कांवड़ियों के साथ की गई मारपीट तोड़फोड़ में अब तक 5 लोगों की मौत के मामले में दोषी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर उदयपुर वाटी में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हरियाणा मेवात इलाके में हिंसा की खबरें प्रकाशित होने के बाद लोग भयभीत हैं। इस दौरान आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदुओं की कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी की और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और चोरी की गई, डकैती की गई, तो उनका अपहरण किया गया। उसके विरुद्ध हमने कैंडल मार्च निकाला है। कहाँ से कैंडल मार्च निकाला गया और कहाँ इसका समापन किया गया? 3 नंबर 24 से लेकर घूम चक्कर तक निकाला गया। जय श्री राम सभी साथियों को। हरियाणा के मेवात में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार, वहाँ पे कांवड़ यात्रा पे सांप्रदायिक लोगों ने वहाँ पे पथराव किया है, उनके पास गोलीबारी की है, उनको लूटा है, उनके साथ हत्या की है, उनके खिलाफ सरकार चेते और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उनको फांसी की सजा सुनाए। इसी मांग को लेकर हमने उदयपुर वाटी में आज 3 नंबर चुंगी से घूमचक तक कैंडल मार्च निकाला है। सभी को जो भी वहाँ पर शहीद हुए हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिले। हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी हो और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हरियाणा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। हरियाणा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। हरियाणा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। माता की जय हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेवात के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। मेवात के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो।